श्री गोकुल के चंद की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामिनी जी की जय। आज हम यहाँ रिठौरा गांव में, जो रिठौरा गांव नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल समीप है, वहाँ आज हम श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी, जहाँ श्री चंद्रावली जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, वहाँ श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी की बैठक पर आज यहाँ रिठौरा गांव में हम उपस्थित हुए हैं। यह बैठक शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री 108 श्री बल्लभलाल जी महाराज, बल्लभाचार्य जी महाराज काममन के माथे विराजती है। और श्री गोसाई जी की जो 28 बैठकें पूरे भारतवर्ष में हैं, उन 28 बैठकों में से ये 11वीं बैठक है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये चंद्रावली कुंड है। ये चंद्रावली कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं, बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत स्थल है। यहाँ इस स्थल पर आकर मुझे इतना रोमांच उत्पन्न हो रहा है, और आप सब बड़े परम सौभाग्य के भागी हैं जो आपको ऐसे अद्भुत और दुर्लभ दर्शन आज यहाँ हो रहे हैं। तो जो ये रिठौरा गांव है, ये बरसाना से बिल्कुल समीप है, और यहाँ आगमन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप काममन आएंगे, तो काममन से कोसी रोड पर जब चलेंगे, तो लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद, जहाँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, वहाँ से दाहिनी ओर एक गांव के लिए रास्ता जाता है, और उस गांव का नाम है रिठौरा। उस रिठौरा गांव में ये श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी की बैठक है, रिठौरा गांव में। अब हम इस बैठक के दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये बिल्कुल बैठक के समीप ही बहुत सुंदर चंद्रावली कुंड जो है वो बना हुआ है, और चंद्रावली कुंड के बगल में ही ये श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी की बैठक है रिठौरा गांव में, जो शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री बल्लभाचार्य जी महाराज श्री के माथे विराजती है, जिनको बिक्की बाबा के नाम से हम सभी जानते हैं। ये पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की, श्री गोसाई जी की जो पूरे भूमंडल पर 28 बैठकें हैं, उनमें से ये 11वीं बैठक है, और ब्रज मंडल की एक बहुत ही प्रसिद्ध और अद्भुत बैठक है, जहाँ श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। श्री चंद्रावली जी बहुत ही ठाकुर जी की अंतरंग लीला के भाव की स्वामिनी जी हैं, और गोकुल चंद्रमा जी मंदिर के समीप ही जो सप्तम निधि श्री मदन मोहन प्रभु विराजते हैं, उनके बगल में भी चंद्रावली जी के दर्शन आपने किए होंगे। एक ओर राधा जी स्वामिनी जी और दूसरी ओर चंद्रावली जी। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये जय गिरधर भवन है, जो नित्य लीलास्थ पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री गिरधर लाल जी महाराज श्री की स्मृति में पंचम पीठ के आचार्य गोस्वामी श्री बल्लभाचार्य जी और गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी दोनों महाराज श्री की सद प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ है। और ऐसे अद्भुत स्थल पर यहाँ 10 रूम 10 कमरे जो हैं वो वैष्णवों के लिए बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। ये यहाँ के मुखिया जी हैं, जिनसे भी हम आपको अभी नंद किशोर जी मुखिया जी, इनसे आपकी वार्ता हम कराएंगे। बहुत ही सुरम्य स्थल है। अभी मुखिया जी से जब हमारी बात हुई, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर तोते मोर और बहुत सारे पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं,
और उन पक्षियों को प्रतिदिन चुग्गा जो है वो भक्त सेवकों की ओर से डाला जाता है। ये आप देखिए, श्री गुसाई जी, श्री चंद्रावली जी, बैठक जी, रिठौरा गांव, यह बैठक जी पंचम ग्रह काममन वाले महाराज श्री के माथे विराजती है। और ये गुसाई जी की 11वीं बैठक है जो नंदगांव पोस्ट के अंतर्गत, तहसील छाता के अंतर्गत आती है। और यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनका नंबर है 9927255346। मतलब आप कभी भी अगर जैसे रिठौरा गांव में आना चाहें और इस बैठक के दर्शन करना चाहें तो इस नंबर पर आप मुखिया जी से बात कर सकते हैं, जो नंबर है 99-27-255-346। ये मुखिया जी का मोबाइल नंबर है। और यहाँ आपको एक अद्भुत दर्शन जो करने के लिए मिलेंगे, वो अद्भुत दर्शन ये हैं कि श्री गुसाई जी की जहाँ भी बैठक हुई आपने दर्शन किए होंगे, वहाँ श्री गुसाई जी धोती उपरना में बहुत ही सुंदर भाव से विराज रहे हैं, धोती उपरना धारण कर रखा है। लेकिन यहाँ श्री गुसाई जी चंद्रावली जी के रूप में विराजते हैं। यहाँ श्री गुसाई जी के जो दर्शन हैं वो चंद्रावली जी के रूप में हैं, क्योंकि ये रिठौरा गांव जो है ये चंद्रावली जी का गांव है। आप देखेंगे इस बैठक को, इस बैठक के बहुत ही सुंदर, ये बैठक जो है अब इसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हो चुका है। तो यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा लाइट डाल दें, यहाँ आप देखेंगे तो देखिए बड़ा अद्भुत और दुर्लभ स्थल है। मतलब मुझे स्वयं को रोमांच जागृत हो रहा है। यहाँ आप देखें, सुनो, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो मुखिया जी तुम इधर आओ, हाँ वहाँ तुम बच जाओ। यहाँ आप देखेंगे तो श्री गुसाई जी जो हैं चंद्रावली जी के रूप में श्रृंगार धारण कर कर यहाँ विराज रहे हैं। और इसके बगल में ही ठाकुर जी, मतलब आप देखें प्रिया और प्रीतम दोनों अपनी अंतरंग लीला के भाव से यहाँ रिठौरा की इस श्री गुसाई जी श्री चंद्रावली जी की बैठक पर विराजित हैं। यहाँ देखें आप तो पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार चंद्रावली जी ने धारण कर रखा है। ऊपर चूड़ामणि और दोनों ओर को पूरा श्रृंगार, हार और बहुत ही सुंदर भाव से विराजित हैं। और ऊपर देखिए श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं और उधर पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री बल्लवाचार्य जी महाराज श्री का श्री चित्र विराजित है। और यहाँ आप देखिए तो 16 श्रृंगार धारण किए हुए चंद्रावली जी के रूप में श्री गुसाई जी विराजित हैं। जहाँ धोती साड़ी जिसे अपन कह सकते हैं, साड़ी धारण किए हुए हैं, 16 श्रृंगार है, हार है और चूड़ियाँ हैं। और ये देखिए चुटीला जो है वो श्री चंद्रावली जी का चुटीला, और श्री गुसाई जी अंतरंग भाव के जो चंद्रावली जी के रूप में गुसाई जी का प्रागट्य हुआ है, वो स्वरूप, वो अद्भुत स्वरूप, वो दुर्लभ स्वरूप यहाँ आपको दर्शनीय दर्शन होता है। चंद्रावली जी नंद बाबा के ही एक भाई ब्रशभानुगोप के भाई चंद्रभानुगोप, चंद्रभानुगोप के घर में आप प्रगटी। और ठाकुर जी के अंतरंग लीला के जो स्थल हैं उनमें ये रिठौरा स्थल आता है, जहाँ चंद्रावली जी और ठाकुर जी का अंतरंग भाव से, गूढ़ भाव से मिलन होता था। और उस मिलन में जो रास की अंतरंग लीला जो प्रकट होती थी और जो रास की अंतरंग लीला के दर्शन जो होते थे वो इसी रिठौरा गांव में, इसी स्थल पर होते थे। कालांतर में यहाँ पहले दो वृक्ष थे जिन वृक्षों के पीछे चंद्रावली जी छुप जाती थी, ठाकुर जी छुप जाते थे।
और दान लीला का वो प्रसंग तो आपने सुना ही होगा, जहाँ चंद्रावली जी दही लेकर माखन लेकर चली हैं और ठाकुर जी ने उनका मार्ग रोका है और उनसे दान जो है वो प्राप्त किया है, दान मांगा है। तो चंद्रावली जी जो श्री स्वामिनी जी के रूप में जिनको स्थान प्राप्त है, चूंकि श्री गोसाई जी का प्रागट्य ही चंद्रावली जी के रूप में हुआ है और श्री गोसाई जी की अन्य बैठकों पर श्री गोसाई जी के दर्शन आपको श्री गोसाई जी के धोती उपरना के रूप में होंगे, लेकिन यहां जो श्री चंद्रावली जी का प्रागट्य स्थल कहें, चंद्रावली जी का लीला स्थल कहें, या ठाकुर जी की और चंद्रावली जी स्वामिनी जी के जो अंतरंग रास और गूढ़ लीला के भाव का जो स्थल है, उस स्थल पर स्वयं श्री गोसाई जी जो हैं वो चंद्रावली जी के रूप में, और किसी रूप में नहीं, धोती उपरना के रूप में नहीं, चंद्रावली जी के रूप में प्रगटे हैं और चंद्रावली का रूप धारण करके श्री गोसाई जी यहाँ विराजे हुए हैं। पूरा श्रृंगार, पूरी धोती साड़ी वो सब, और इधर आप देखेंगे तो श्री ठाकुर जी और धोती उपरना में ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार, मतलब प्रिया और प्रीतम दोनों इस रिठौरा नामक स्थल पर, इस पावन स्थल पर श्री गोसाई जी की 11वीं बैठक पर, जहां प्रिया के रूप में, प्रियतम के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी हैं और प्रिया के रूप में, स्वामिनी जी के रूप में, श्री चंद्रावली जी के रूप में स्वयं श्री गोसाई जी जहां विराजित हैं, ऐसे परम दुर्लभ अलौकिक स्थल के दर्शन करके हम अपने आप को बड़ा कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। और जब ऐसे स्थल पर हम आ ही गए हैं तो चूंकि पौष कृष्ण नवमी को गोसाई जी के उत्सव की बधाई अब इस समय चली रही है, पौष कृष्ण नवमी को गोसाई जी का उत्सव है, तो उस उत्सव पर हम बधाई का एक क्रम जो पौष कृष्ण प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाता है और पौष कृष्ण नवमी तक चलता है, आजकल बधाइयों का क्रम चल रहा है, तो हम यहाँ इस श्री गोसाई जी की 11वीं बैठक पे आके जहाँ श्री गोसाई जी चंद्रावली जी के रूप में प्रकटे हैं ये देखेंगे, तो आप ये शैया ग्रह है जो अंदर शैया ग्रह जहाँ प्रिया और प्रीतम दोनों पौड़ते हैं, श्री गोसाई जी जो चंद्रावली जी के रूप में, वे और श्री ठाकुर जी दोनों का प्रागट्य जहाँ पर, दोनों का शयन का क्रम जो है वो शैया घर में होता है। तो अब हम यहाँ बधाई का क्रम रखेंगे और श्री गोसाई जी के सम्मुख यहाँ हम हाजिरी अपनी देंगे। मैं श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को 11 पीढ़ी को कीर्तनिया हूँ और श्री गोविंद दास जी जिनको पहले गोविंद स्वामी जी के भाई उनको वंशज होवे को मुकु सौभाग्य प्राप्त हुए हो, और बड़ा दुर्लभ आज मेरे काजे अद्भुत दिन है कि मैं यहाँ श्री गोसाई जी की बैठक पे आके गोसाई जी को अपनी बधाई सुनाऊंगा। और आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो कि आपको यह स्थल के दर्शन हुए। हो या चकी श्री बल्लभ तुम्हारो याचन तुमको आयो याचक महाउदार देत सबहिन को यह सुन के उठधा भूषण बसन ग्राम सुख संपत्ति सोहम या जत नाही पास रखी आवाज के बाद द्वारे पर छत्र की छाई
त्रासा हो याचक जन्म कृतार्थ करो निरंतर निज जन दास मदन मोहन लावण्य सिंधु को देखत मन ना अधाऊ चरण कमल नित्य सांत्वन कर कर सुफल करो प्रसन्न गिरधर की सेवा दीजे परम दयाल तुम्हारे श्रीमुख वचन सुनन को कीजे मन ही मराल हो याचक श्री वल्लभ तिहारो याचक तुमको आयो याचक। हमारा मन है कि हम एक बधाई श्री गोसाई जी की और यहाँ सुना के और फिर आपको मुखिया जी कछु यहाँ के या बैठक के बारे में आपको बताएंगे। एक बधाई हमारा और सुनावे को मन है और जे वसुदेव किए प्रण तप सो फल फलित श्री वल्लभ देह जे वसुदेव जे गोपाल हुते आप तो जानो कि श्री गोसाई जी और श्री ठाकुर जी इनमें कोई भेद नहीं है, ये बिल्कुल अभेद हैं और इनको जो अभेद और अनन्य जो परस्पर प्रेम है वो ही श्री गोसाई जी को श्री चंद्रावली जी के रूप में प्रागट्य करावे और वही को दर्शन आप यहां करें। शीत स्वामी जी ने स्वयं ने कही है कि गिरधरन श्री विठल ठाकुर जी में और श्री विठल नाथ गोसाई जी में तेई कछु न संदेह, ठाकुर जी ही गोसाई जी हैं, गोसाई जी ही ठाकुर जी हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई संदेह हमको नहीं करना चाहिए। कि जो वसुदेव किए पूर्ण तप, जो वसुदेव जी ने जो पूर्ण तप किए वे श्री वल्लभ के देह में आके फलित हुए और जो गोपाल होते गोकुल में ते अब आन बसे कर गए हैं, जो गोपाल जो ठाकुर जी जो श्री गोकुल में है वे आन बसे कर गए हैं, वो श्री वल्लभ के घर में आके उनको प्रागट्य भयो। और जे वे गोप वधु ही ब्रज में, जो गोपन की जो वधु ही ब्रज में वो वेद ऋचा भई जे और छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल ते कछु न संदेह, ऐसे या अद्भुत श्री गोसाई जी के
बैठक की बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं श्री नंद किशोर जी मुखिया जी, जो रिठौरा गांव के रहवे बारे हैं, और जिनको ये पंचम पीठ ने ये बैठक बहुत समय पहले पधराई, और वहाँ समय ते ही आप यहाँ मुखिया जी बहुत सुंदर यह बैठक की सेवा कर रहे हैं, और बड़ो ही अनन्य इनको भाव है। इनते जब मेरे मैं आया और जब मेरी बात हुई तो मैं बड़ो प्रभावित हुआ, तो मैं श्री मुखिया जी से आपकी बात कराऊं। मुखिया जी, जय श्री कृष्णा, जय गोकुल के चंद की। आप हमारे जो वैष्णव दर्शन कर रहे हैं उनको यह बैठक के बारे में थोड़ा सा कछु बताओ। ये बैठक रिठौरा श्री गोसाई जी चंद्रावली जी के स्वरूप में, यहाँ स्वयं ठाकुर जी चंद्रावली जी को मनाने के लिए आए थे। इस गांव का नाम है रूठौरा। तो यहाँ स्वयं ठाकुर जी चंद्रावली जी को मनाने के लिए आए, तो वो लीला आती है ना, चंचल चपल चतुर चंद्रावली, चटक मटक की चाल, आगे थे ठाकुर जी आगे, दड़ी को तनक माखन दे खवाए, जो काना पाले पर्यो लाओ पतुआ तोड़, छोड़ मंस काकू गए माखन चोर, जय हो पत्ता तोर श्याम जब आए, ना देखी चंद्रावली ब्रज नार, करन लगे मन सोच विचार, जाय के खिरक में गए सोनंद लाल, ढूंढत ढूंढत डोलत यशोदा मैया, मेरो वारो काना कित गए बता दे कोई, आगे थे मनसुख लाल आए रे, मन की मनसुख तेने हमारे काना को देखो है, मन की तेरो काना खिरक में सूर हो, क्यों लाला तू टूट पड़ो झटोले, तो ता आवत ता बुखार, के काउने दीनी गार गुपत, ना आवत मातमो को ता बुखार, ना दे काउने गार गुपत, मेरे मन बसी चंद्रावली गुजरिया। जय हो जय हो। ठाकुर जी यशोदा जी कह रही, अपने लाल के चार ब्याह, तू चल रे मदन गोपाल, समुद्र वादे चार बोरिया, मेरे मन बसी चंद्रावली गुजरिया, वन चलो तू रिठौरे को जाए, इतनी सुन के श्याम ने सखी भेस लियो धार, लहंगा पहरो चमक नो चूंदर लीनी धार, नटखट जाए नंद के बन गए नरसों नार, जय हो जय हो। चंद्रावल छलन को मन कियो सोच विचार, रूप जनानो धर लियो बन गए नरसों नार। ठाकुर जी रिठौरा आगे, सामरी सखी मोय नेक बता दे, चंद्रावल यार कौन सी डगरिया, ऊंची सी अटरिया या की लाल केवरिया, दही बिलो वे चंद्रावली। ठाकुर जी बांधे पे आगे, अरी बहना खोल झजन के बार, मैं कब की ठाड़ी द्वारे पे रही पुकार, चंद्रावली जी कह रही, अरी बहन तू कांते गई आए, जन्मी ना मा जाए खिलाई न गोद, ठाकुर जी कह रहे मामा फूफी की दो लागे बहन, चंद्रावली गिरा उसारी, अरी बहन खेत में लगे लाजवानी, छाती लगे तेरी मर्दानी, ऐसे चंद्रावली जी। ठाकुर जी ने तीन बार पहचानी, ठाकुर जी को पहचान लियो, चंद्रावली जी ने कही, थोड़ी सी दही के कारण तू वो वहाँ छल के आई है, या कारण मैं रिठौरा छलने के लिए आया हूँ। ये चंद्रावली जी लीला है, और दूसरी लीला यहाँ श्रृंगार रस मंडल रिठौरा में ही लिखा गया, वाह, दान लीला रिठौरा में लिखी गई, और आज ये पंचम पीठाधीश्वर श्री गिरधर लाल जी महाराज की आज्ञा से हम दोनों बाप बेटा यहाँ सेवा में उपस्थित हैं। ये नंद किशोर जी मुखिया जी हैं, और ये इनके सुपुत्र हैं जिनको नाम है योगेश जी शर्मा। इनने बहुत सुंदर यहाँ की व्यवस्था जो है वो संभाल रखी है, और ये नंद किशोर जी मुखिया जी हैं। मैंने आपको नंबर जो है वो आपको मैंने पहले बता ही दियो, एक बार दोबारा आप नंबर अपनो बताओ। 9924275 5346। ये नंबर मुखिया जी को है, और अगर ये नंबर नहीं मिले तो ये मुखिया जी के लाला को नंबर 9012177888 10 ये इनके लाला को नंबर है। और एक बार पुनः हम श्री गोसाई जी और श्री चंद्रावली जी के रूप में जो गोसाई जी को यहाँ दर्शन है वाकु हम करेंगे, और एक बार हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि आप सब वैष्णव यहाँ आए श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी की बैठक में, जहाँ श्री गोसाई जी के अन्य जगह आपने दर्शन किए होंगे, महाप्रभु जी की बैठक है कामबन में श्री कुंड पे, वहाँ भी गोसाई जी की बैठक विराज रही है, लेकिन वहाँ गोसाई जी धोती उपरना में विराज रहे हैं। और मैं आपको फिर कहूँ, ऐसा दुर्लभ ऐसा अद्भुत स्थल
आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ स्वयं गोसाई जी ने दान लिखे हो तो यहाँ हमेशा दान चलता रहता है। मोर पोपड़ चिड़िया पक्षी अनंत प्रकार के आते हैं और यहाँ सब रहने खाने की सब सुविधा है श्री वल्लभ लाल जी महाराज की। देखो ये लाइट आ गई है, ये अब बड़ो परम सौभाग्य है। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल के चंद की जय, श्री चंद्रावली जी स्वामिनी जी की जय। और ये बड़ो परम सौभाग्य, देखो लाइट आई है और हम पूरी तरह से दर्शन कर सके हैं श्री गोसाई जी, जो श्री चंद्रावली जी के रूप में यहाँ विराज रहे हैं। कैसा बढ़िया सुंदर चिटीला है, मैं तो रीझ रहे हूँ या रूप है देख देख के कि श्री गोसाई जी ने कैसा सुंदर प्रिया स्वरूप स्वामिनी जी को स्वरूप जो है वो धारण किया है। ठाकुर जी को रिझावे के काजे, ठाकुर जी को ठाकुर जी के अंतरंग जो लीलाएं, ठाकुर जी की जो गूढ़ लीलाएं, जो रास की लीला है, वहाँ के जो मुख्य स्वामिनी जी हैं श्री चंद्रावली जी, वो ठाकुर जी के संग यहाँ विराज रही हैं। और भारतवर्ष में युगल स्वरूप में पुष्टि मार्गीय में ये एक ही बैठक है जहाँ ठाकुर जी और श्री चंद्रावली जी स्वामिनी जी के रूप में श्री गोसाई जी दोनों को जो सुंदर दर्शन है वो यहाँ बड़े ही कृपाते मिले हैं। और आप ऐसे स्थल पे जरूर आओ, काम मनते 10-12 किलोमीटर जब आप कोसी की तरफ चलोगे तो काम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा ते नेक आगे बढ़ते ही सूधे हाथ को राइट हैंड को एक रास्ता जाएगा जो रिठौरा गांव को जाएगा। जब पूरा गांव निकल जाएगा तो वहाँ के बाद या बैठक को दाहिने हाथ को एक रास्ता मिलेगा। गुस्साए इनको मुखिया जी को मैंने नंबर आपको दे दियो है और आप सब या दर्शन को कियो आपने। हाँ एक दोहा आप मुखिया जी और बता रहे हैं आपको। वो आवे ना दान लीला में, अरे कैसो मांगे दान दही को मार गिरो के गिरधारी, तू नित्य प्रतिन गिर जाए चोरी सो सुन गोपी वरसाने लारी। चंद्रावली जी का करें, तू तो नयो दानी भयो छेल सुने नंद के ठगेल तेरे लाज न रही, रही कुल की जोड़ी ते और आपस की प्रीत तेने नीति तोड़े क्यों दही, दही उल्टी चाल चलाए श्याम जाए पूछो मैं तारी। चंद्रावली जी कह रही, अरे तू यशोदा जी को तो पूछ, चंद्रावली को दान लाऊं के ना लाऊं। तो चंद्रावली जी क्या कही, ठाकुर जी कह रहे तू ठगवार मोय बतावे ठग तेरे नैना चपल गुजरिया हृदय की कारी, कारी जायो रात तेरो कारो ही है गात क्यों इठलात डोलत घरन में ते खावत माखन चोर। ठाकुर जी कह रहे तू तो नार है रही चोर जवानी में सरसार खिल रही अनारसी, हंसके मांगे चंद्रावली हमारी दे दे आरसी, और कहासी को परखन आरो तेने ओढ़ो कंबर कारो, ज्यादा मत बोले बड़बड़ के बोल तेने जन्म चराए ढोल तेने गाय बछरुआ चराए, तू कहा जाने चंद्रावली की जय हो। यानी तो यहाँ अनंत लीला है, जय हो जय हो। ठाकुर जी की और श्री चंद्रावली जी स्वामिनी जी की अंतरंग लीला को स्थल, गूढ़ लीला को स्थल, रास को स्थल, ऐसे स्थल पे आए के हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। एक बार आप सब मेरे संग मिलके बोलो, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल के चंद की जय, श्री अमरे महारानी की जय, जय श्री भवन की जय, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बैठक अलग है, जो गुफा है हाँ वो अलग है, कहाँ है वो अंदर है, बाकी दर्शन हो सके दूर से। अच्छा हाँ, आप देखो ये मुखिया जी बता रहे हैं कि यहाँ एक कूड़ बैठक जो है जो गुफा के रूप में है वो और है, और वाकई दर्शन जो है मुखिया जी हमें करा रहे हैं, तो देखें वाकई भी दर्शन हमें मिलेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। और ये देखो मुखिया जी हमें लेके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थल है ये, पूरा गेस्ट हाउस बनो हो ऊपर तक, आराम से ठहर सको यहाँ पे आके, और खूब यहाँ पे प्रसाद
जो है वो सिद्ध करो, बनाओ। ये देखो लाइट दिखाइयो बेटा, ये देखो ये सीढ़ियां उतर रही हैं, ये आप देखोगे, ये यहां पे हम यहां पे थे, आए फर्श पे थे, और ये सीढ़ियां उतर रही हैं, और ये सीढ़ियां उतर के नीचे उतर जाएं ना? नहीं, हमेशा नाग नागिन रहते हैं। अच्छा, ये चंद्रावली जी जब रूट के आई थी तो स्वयं ठाकुर जी ने करी, गोविंद अमू की जगह पर चंद्रावली जी बैठी है और तू मेरे लिए एक अनंत प्रेम के लिए गुफा खोद। अच्छा, तो गोविंद स्वामी ने ये गुफा खोदी और चंद्रावली जी ठाकुर जी का मिलन हुआ। वह समय पर गोविंद स्वामी भामा नाम की सखी बन के पार्षद बैठे। तो ये स्वयं गुफा गोविंद स्वामी की खुदी हुई है। जय हो जय हो जय हो। इसमें हमने जब पत्थर वत्थर लगाया, इसमें नाग नागिन हमेशा मिलाप करते हैं, तो हमने इसमें एक जगह देखी तो उसमें 130 फुट डोरी चली गई। अच्छा, हाँ, गुफा दो बताई है, एक तो नाथद्वारा के लिए जा रहे हैं, दिन में ठाकुर जी नाथद्वारा पधारे, अर्धरात्रि 12 बजे चंद्रावली जी के पास ठाकुर जी मिले, और यहाँ सैया जी में या मंदिर में नित्य न्यूतन कोई ना कोई हमको झांकी अवश्य मिलती है। जय हो जय हो। आप धन्य हैं मुखिया जी जो आपको ऐसी ऐसे स्थल के यहाँ सेवा करबे को और ऐसी झांकी प्राप्त करबे को अवसर मिलो हैं। तो हम सब आपते अब जय श्री कृष्ण करें, जय श्री कृष्ण, और फिर काई नए स्थल के संग हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।